बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अलावे अन्य अधिकारियों को भी राजनीति में काफी तवज्जो देते हैं। पूर्व में भी कई अधिकारियों को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से जोड़कर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त सचिव व आईएएस अफसर रहे मनीष कुमार वर्मा मंगलवार को विधिवत जदयू के सदस्य बन गए। आईएएस ऑफिसर रहे एक और शख्सियत की बिहार की राजनीति में एंट्री काफी खास मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त सचिव व आईएएस अफसर रहे मनीष कुमार वर्मा मंगलवार को बकायदा जदयू के सदस्य बन गए और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह कवायद बहुत खास मानी जा रही है। नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की और मजबूती पर काफी जोर दिए हुए हैं। कुछ दिन पहले संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मनीष वर्मा को पार्टी की सदस्यता संजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एवं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिलाई। संजय झा ने कहा कि मनीष कुमार वर्मा का लंबा अनुभव संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगा। हम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 2010 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। वहीं पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात मनीष वर्मा ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ज्वाइन करने के पहले मैंने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य के पद को छोड़ दिया। मैंने 8 वर्षों में नीतीश कुमार के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। वे बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए हैं। वे दिन के 8 पहर बिहार की उन्नति में जुटे रहते हैं और उन्हीं के बदौलत बिहार में असली समाजवाद जिंदा है। उन्होंने कहा कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। पार्टी का सदस्य बनने के पश्चात मनीष वर्मा नीतीश कुमार से भी आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही मनीष कुमार वर्मा को पार्टी में ज्वाइन करने के पश्चात जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है और लगातार जदयू के कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर उन्हें शुभकामना दे रहे हैं।